हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स एंड हैक। आज मैं आपको ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और मुहासों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ होममेड नुस्खे बताऊंगी। फ्रेंड्स, हमारी स्किन के नीचे सीबक नामक ग्रंथि होती है जिसका काम हमारी स्किन में ऑयल पहुंचाना होता है। इस ऑयल को सीबम कहा जाता है। यह हमारी त्वचा पर स्किन पोर्स के जरिए आता है और इस कारण त्वचा ऑयली हो जाती है। इस कारण हमारी त्वचा पर किल मुहासे होते हैं। हमारे शरीर की त्वचा पर रोजाना डेड स्किन निकलती है जो दिखाई नहीं देती है। जब हमारे चेहरे की त्वचा पर ऑयल ज्यादा बढ़ने लगता है तो इस ऑयल में धूल मिट्टी चिपकने लगती है जिससे हमारे स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। फिर ऑयल के निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। इस वजह से उस जगह पर बैक्टीरिया जमने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर सफेद गांठ बनने लगती है और यह बाद में काले किल मुहासों में बदल जाती है। जिन लोगों के चेहरे पर ज्यादा ऑयल होता है उन लोगों के चेहरे पर ब्लैकहेड्स और मुहासे होने लगते हैं। इस वजह से इन लोगों के चेहरे पर बार बार पिंपल होने लगते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी है जिससे आपकी स्किन पर मुहासे भी ना आए और आपकी स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स से छुटकारा मिलेगा। चेहरे पर से ब्लैकहेड्स हटाने के लिए सबसे पहले चेहरे के पोर्स को ओपन करना बहुत जरूरी है। पहले आप गर्म पानी का स्टीम लें। स्टीम लेने से हमारी स्किन नरम हो जाती है और स्किन पोर्स भी खुल जाते हैं जिससे ब्लैकहेड्स और मुहासों को हटाने में आसानी होती है। इसलिए शुरुआत में यह करना बहुत जरूरी है। ब्लैकहेड और व्हाइट हेड्स हटाने के लिए पहला नुस्खा यह है, 2 चम्मच चावल पाउडर, 1 चम्मच टमाटर का पेस्ट, 1 चम्मच शहद, 1/2 चम्मच हल्दी, इन सभी को मिलाकर पेस्ट बना ले। फिर अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मसाज करें। फिर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो ले। चावल स्क्रब का काम करता है, इससे स्किन पोर्स आसानी से खुल जाते हैं और टमाटर में पाए जाने वाले तत्व विटामिन सी और सिट्रिक एसिड हमारी स्किन में मौजूद गंदगी को साफ करता है। इसके अलावा हल्दी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इससे किल मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसके पहले ही इस्तेमाल से काफी फर्क होगा। इस नुस्खे को आप हफ्ते में 3 बार कीजिएगा, इससे आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स में जरूर फायदा होगा। अगला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। 1 चम्मच मसूर की दाल का पाउडर ले, 1 चम्मच जायफल पाउडर ले और 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच कच्चा दूध ले। सभी को मिलाकर पेस्ट बना ले। इस मिश्रण को अपने किल मुहासों पर लगाए और हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करे। फिर ठंडे पानी से धो ले। फिर आपकी स्किन पर जो भी मॉइस्चराइजर सूट होता है उस मॉइस्चराइजर को अपने चेहरे पर लगा ले। फ्रेंड्स, अपने चेहरे पर मुहासों को मिटाने के लिए इन चीजों का भी इस्तेमाल कीजिए। 2 चम्मच एलोवेरा, 1/2 चम्मच टर्मरिक और 1 चम्मच दही, 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाकर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाइए। इस मिश्रण को लगाने से आपके मुहासों पर काफी फर्क होगा। इन सभी मिश्रण का उपयोग करने से आपकी स्किन पर अतिरिक्त ऑयल कम होगा, स्किन पोर्स ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अपनी स्किन के लिए ग्रीन टी का सेवन जरूर करें। रोज ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और चेहरे पर किल मुहासों को आने से रोकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ग्रीन टी का सेवन रोज करें। यह हमारे शरीर में टॉक्सिन को कम करता है और हमारी त्वचा पर निखार लाता है। अगर आपके चेहरे पर ज्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं तो दिन में कम आपको 2 बार चेहरा बेसन से धोना चाहिए और रात में सोने से पहले चेहरा वॉश करके सोना चाहिए। यह आपके किल मुहासों की प्रॉब्लम से बचाता है। फ्रेंड्स, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चेहरे पर कम से कम हाथ लगाएं। हमारे हाथों में जम्स होते हैं। चेहरे पर हाथ लगाने से ब्लैकहेड्स और पिंपल होने के चांस ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, दिन भर में 7 से 8 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। और मसालेदार चीजों का सेवन ना करें, इससे आपकी स्किन पर किल मुहासे होंगे, तो इस बात का खास ख्याल रखिए। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।